हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों में जो लिखा है उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति शांति चाहता है, अपने जीवन में सुख चाहता है, तो उसे सारे व्रत तपस्या और उपवास का भोक्ता मुझे समझना होगा। यदि कोई कृष्ण के लिए जप तप उपवास करता है तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में बताया गया है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आप वैष्णव हैं और यदि आप राम, कृष्ण और विष्णु को मानते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत जरूर पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रमाण के रूप में सारे शास्त्र, सारे वेद एक स्वर में बोलते हैं कि और कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सभी व्रतों की महारानी एकादशी व्रत है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या संबोधन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप कर्म वह भव सागर से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, और इस व्रत को करने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित की हुई एक सुंदर कथा के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर का राज्य था, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की उपासना किया करते थे। हेम नाम का यक्ष उनका मालिक था, जो मान सरोवर से सुंदर फूल लाकर कुबेर को देता था, जिसका उपयोग कुबेर श्री शिव जी की उपासना में किया करते थे। और उसी हेम यक्ष की दिशा लक्ष्मी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। हेम मालिक अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो तोड़ के ले आया, परंतु अपनी पत्नी से प्रेम होने के कारण वह उसके साथ हास्य विनोद और रमन करने लगा। इधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने एक सैनिक को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर हेम मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर क्रोधित होकर कुबेर ने उसे बुलाया। हेम मालिक राजा के भय से कांपता हुआ उनके पास पहुंचा। कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि हे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय श्री शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम मालिका स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वीलोक पर जा गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोड हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आते ही माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न व जल के भटकता रहा। घूमते घूमते एक दिन माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा, जिनकी आयु 7 कल्प है और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। उन्हें देखकर दूर से ही माली ने उन्हें अनेक बार साष्टांग प्रणाम किए, जिसे देखकर दयावान और करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ये हालत हो गई है। हेम माली ने ऋषि से सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि ने कहा, तुमने निश्चय ही सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें स्नेह से उठाया। हेमाली ने मुनि के कथना अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह कोढ़ मुक्त होकर फिर से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बनता है। तो आइए हम सभी भी योगिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।